दरदर मुनि के नाम पर लगने वाले दगरी मेला के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। इसकी सीमा घटती जा रही है, सुविधाएं घटती जा रही है। इस वर्ष बाढ़ एवं प्रकृति के आपदा के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था में कमी के कारण पशुओं का आना और कम हो गया है। इसके सुधार की दिशा में आपके सुझाव चाहिए। आप चेयरमैन रह चुके हैं, पहले भी इसकी बेहतरी के लिए आप प्रयास कर चुके हैं, इस समय ऐसा संकट क्यों आया? देखिए, ददरी का मेला एक बहुत ही ऐतिहासिक, हमारे बलिया के ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल और प्रदेश का ये धरोहर मेला है और ख़ास तौर से बलिया की पहचान ददरी मेला। आज इसकी अस्मिता पर संकट आती चली जा रही है, एक चिंतनीय विषय है। और इस चिंता का जो आज विषय है, और ख़ास तौर से आपने जो हमसे सवाल किया कि पशु मेला का संकट तो इसलिए दिन पर दिन प्रति बढ़ता जा रहा है और मेले की आय घटती चली जा रही है, कि एक तो नगर पालिका के इधर कुछ ज़्यादा ही राजस्व बढ़ाने के चक्कर में पशु मेला का आय घट रही है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और पशु जो व्यापारी हैं, गरीब हैं, किसान हैं, और किसी तरीका से अपने मवेशी को लेकर के आते हैं, और जब ज़्यादा उसको रजिस्ट्रेशन और प्रवेश शुल्क देना पड़ता है तो सोचने समझने लगता है, क्योंकि महंगाई के आलम है। और ख़ास तौर से टैक्स तो उतना ही लेना चाहिए जितना देने वालों को भी समझ में ना आवे, और जो और उसे कम टैक्स रहता है तो अधिक से अधिक मवेशी मेला में किसान लेकर के चला आता है, और जब ज़्यादा टैक्स लग जाता है तो किसान या पशुपालक बाहर ही मेला के बाहर ही बेच के चला जाता है। इसका मुख्य जो समस्या है, दूसरी समस्या यह है कि ख़ास तौर से पुलिस प्रशासन की वजह से ददरी मेला में आने वाले पशु की कमी होती चली जा रही है, क्योंकि जो मेला में पशु कभी मवेशी पंजाब से, हरियाणा से, बनारस से, आपके गुजरात से, ये जो तमाम बड़े बड़े अच्छे अच्छे नस्ल के गाय और भैंस आते थे, वो आना बंद हो गए, क्योंकि जो पुलिस ने उनकी हर जगह रोकने लगी, हर जगह पुलिस क्रूरता के, पशु क्रूरता के तहत उनके केस में बंद करने लगे। और इसलिए हम लोगों ने विगत पहले एक चिट्ठी भी जारी करते थे कि व्यापारी हैं और ददरी मेला में पशु अपना लेकर आ रहे हैं, तो भी उस चिट्ठी को नज़रअंदाज करके पुलिस प्रशासन की वजह से ये मेला धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है, पशु व्यापारी अब डर के मारे नहीं आ रहे हैं, ये किसका मुख्य कारण है। और बताइए, इसकी बेहतरी के लिए आपके सुझाव कुछ हैं तो बताइए। पूरे चेयरमैन हैं, रहे हैं, क्या कैसे इसको सुधारा जा सकता है? इसकी बेहतरी के लिए ख़ास तौर से इसका ज़मीन का इंतजाम नहीं है कोई अस्थाई। ये ददरी मेला लगता है बंधा के नीचे जो डूब क्षेत्र है, और डूब क्षेत्र में किसी का मकान और भवन नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते वहाँ तमाम बिल्डिंगें और मकानें बनती चली जा रही है। और हम लोग भी कभी चेयरमैन थे तो जिला अधिकारी को, पुलिस अधीक्षक महोदय को बार बार पत्र लिखकर हम लोग देते थे कि इस मेला के भूमि पर भवन निर्माण होते चले जा रहे हैं, इसको रोका जाए, तो उसको रोका भी जाता था। कई बार हम लोगों ने जिला प्रशासन के मदद से, जब हमारी सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री जी थे, उस समय मिलकर के तमाम इस तरीका के लोगों का अनाधिकृत रूप से लोग जो बसे थे उनको हटाया भी गया, लेकिन पुनः भू माफियाओं की नज़र उस मेला के भूमि पर पड़ गई। अब भू माफियाओं को जैसे मेला का ज़मीन बिल्कुल रूप से उसको बेच दिया गया और सब तमाम इस तरीका के भवन बन गए, जो मेला का जगह छोटा पड़ गया है। उसका बेहतरी के लिए अब एक ही उपाय है कि उन तमाम जो अवैध मकान बने हैं, जो बिना नक्शा पास कराए मकान बने, उसको रोका जाए या हटाया जाए, और नहीं तो मेला को नियंत्रण कहीं दूसरे जगह पर लगाया जाए। जो शहर से सटे हुए इलाके हैं, जैसे भी महावीर घाट के इलाके, दियारा इलाका खाली है, वहाँ भी मेला शिफ्ट किया जा सकता है। और इस मेला को हम लोगों ने कई बार प्रयास किया किसका प्रांतीयकरण हो जाए, सरकारी मेला के सूची में आ जाए,
वो मेला नहीं हो पाया। हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अखिलेश यादव जी को दिया भी था और वह होने के कगार पर था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। पुनः इस सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि पुनः ददरी मेला को प्रांतिकरण के मेला के सूची में इसको शामिल करने के लिए ये गुजारिश कर रहा हूँ। और इसके मेला के बेहतरी के लिए सबसे बड़ा काम है कि टैक्स और अधिक अपने राजस्व को बढ़ाने के चक्कर में टैक्स को कम लगाना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों को आजकल बिक्री कम हो रही है, इसलिए अच्छी अच्छी दुकानें हरियाणा से, गुजरात से, कश्मीर से जो आते थे वो कम आजकल देखे उनके ददरी मेला आप लोग घूम करके उसमें कम हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं। यही मुख्य उसकी समस्या है। हम इसके भी मेला को बेहतरी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इन टैक्स को कम लगा करके पुनः उन मेला के जो दुकानदार आते थे उनको निमंत्रण भेजना चाहिए। नगर पालिका परिषद की तरफ से हम लोग निमंत्रण भेजते थे, वो लोग आते थे, अब ऐसा काम नहीं हो रहा है।